ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? ऐसा कौन सा पक्षी जिसके सर पर पैर होते हैं? लड़कियों के। आप रेस में दौड़ रहे हैं और आपने दूसरे नंबर वाले को क्रॉस कर लिया, तो आप कौन से नंबर पे आ गए? ये सही है भाई, भैया जी। अरे तेज है, वेरी नाइस वेरी नाइस। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आर्ज राहुल व्लॉग्स। और आज हम पहुंचे हैं बाहू प्लाजा में, और आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन है राउंड कर रहे हैं, लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, अगर उन्हें सही जवाब आ गए तो उन्हें हम देने वाले हैं डिस्काउंट कूपन्स, और अगर नहीं आए तो फिर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है उस चीज़ का सही जवाब। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं। मैम क्या नाम आपका? सरनजीता सिंह। ओके, और आपका नाम? शिवानी कालरा। मेरे साथ इस वक्त क्या नाम आपका? सर युवराज शर्मा। भैया क्या नाम आपका? मेरा आशीष। नाम क्या आपका? सौरभ। सौरभ, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आपसे, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर? यस इज नॉर्मल। हैन? हैन। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पे पैर होते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर कोई भी नहीं होता ऐसा। सोच के, थोड़ा सा सोच के शायद आ जाएगा, थोड़ा सा सोच के। आइडिया कुछ, कोई गेस? मैम ने जैसे हैन का तो लगाया, आप आइडिया कोई गेस? होता ही नहीं है तो मैं गेस क्या? अच्छे होता है, और आपने देखा हुआ वो, आप दोनों ने देखा है, और जब आप घर से निकले थे ना, इनफैक्ट यहाँ बैठे बैठे भी आपने शायद देख ही लिया होगा उसको। सर पे पैर होते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैठ के आपने पक्का देखा होगा, यहाँ बैठे बैठे भी दिख रहा है वो। दिख, मुझे भी दिख रहा है। दादा आपको भी दिख रहा है ना? मुझे भी दिख रहा है। कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं। आप रेस में दौड़ रहे हैं, आपने दूसरे नंबर वाले को क्रॉस कर लिया, तो आप कौन से नंबर पे आ गए? फर्स्ट नंबर में। आप रेस में दौड़ रहे हैं और आपने दूसरे नंबर वाले को क्रॉस कर लिया, तो आप कौन से नंबर पे आ गए? तो मुझे पता होना चाहिए ना मैं कौन से नंबर पे हूं, तभी तो बताऊंगा। आप पीछे से कहीं से भागते हुए आए, ठीक है, और आपने दूसरे नंबर वाले को क्रॉस कर लिया। अगर मैं 100 पे होगी तो मैं 98 पे आऊंगी। नहीं नहीं, अरे नहीं, आपने दूसरे नंबर वाले को क्रॉस कर लिया। ठीक है। आई हैव सिटीज बट नो हाउसेज। मेरे पास शहर हैं पर मेरे पास घर कोई नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं पर मेरे पास पेड़ कोई नहीं है। मेरे पास पानी है पर मेरे पास मछली कोई नहीं है। क्या चीज़ है ये? शहर हैं लेकिन घर नहीं है, माउंटेन्स हैं इसके पास लेकिन पेड़ नहीं है, और फिश है नहीं, पानी है लेकिन फिश नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत आसान से जवाब उसके। वेल 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 में पहाड़ कैसे सोचते लेकिन? और गैसेस? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और गैसेस? रिवर के रिलेटेड है कोई? रिवर? नहीं नहीं नहीं, रिवर रिवर में कैसे हो सकता है? रिवर में सिटीज थोड़ी हो सकती हैं। आई हैव सिटीज बट नो हाउसेस। I have mountains but no trees. Trees. I have water but no fish. No fish. क्या हो सकता है? I don't know. तो अगर आप लोगों को पता है इनके जवाब, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। युवराज, ऐसा कौन सा पक्षी इसके सर पर पैर होते हैं? सर सभी होते हैं। ये बंदे ने सारी YouTube वीडियोस देखी है, इसको सारा पता है, इसको सारा पता है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ कहती है आई हैव सिटीज, मेरे पास शहर हैं लेकिन मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पहाड़ है लेकिन मेरे पास पेड़ नहीं है, मेरे पास पानी है लेकिन मेरे पास फिश नहीं है, मैं क्या हूँ? क्वेश्चन रिपीट करोगे? इस चीज़ के पास शहर हैं लेकिन इसके पास घर नहीं है, इसके पास पहाड़ हैं लेकिन इसके पास ट्रीज नहीं है, इसके पास पानी है लेकिन मछली नहीं है, क्या है? एनी गैसेस? युवराज को यहाँ तो आना चाहिए। युवराज थोड़ा सा आइडिया लगाओ। ये चीज़ आपने देखी हुई है, बहुत बार देखी हुई है आपने, और टेंथ क्लास तक आपने इस चीज़ का इस्तेमाल भी किया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ के पास सिटीज़ हैं, शहर हैं लेकिन घर नहीं है, पहाड़ हैं लेकिन पेड़ नहीं है, पानी है लेकिन फिश नहीं है। ओ भाई साहब, ये बंदा बहुत तेज़ है, किसी ने गेस नहीं किया अभी तक, बट ही ओनली गेस। ग्रेट भाई,
इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज है। सो नितिश, मुकेश की माँ के 3 बच्चे हैं, जनवरी और फरवरी, तीसरे का क्या नाम होगा? मुकेश। पक्का? हाँ। यस, ही इज राइट। नहीं, आशीष, आशीष एक छोटा सवाल आपसे पूछने वाले हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको MJ कलर ट्रेंड्स की तरफ से किसी भी सर्विस में 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, या आपको या आपकी मैडम को, किसी को भी। बहुत आसान सवाल रहने वाला है, मुझे पता कितना आसान होना है। आप एक रेस में भाग रहे हैं, ठीक है, आपने दूसरे नंबर वाले को क्रॉस कर लिया, आप कौन से नंबर पे आ गए? दूसरे पे। ये वीडियो देखी है ना कोई? क्या? अरे देखी नहीं है भाई, इतनी साइंस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। चलो चलो ठीक है, अगला करते हैं। यार ये नहीं पता मुझे, सॉरी। ऐसा कौन सा पक्षी इसके सर पर पैर होते हैं? आइडिया कोई? गेस गेस, सोचो सोचो सोचो। पक्षी? जिराफ। जिराफ, क्या कर रहे हो भैया? आप बता दो, ऐसा कौन सा पक्षी जिसके सर पर पैर होते हैं? कोई आइडिया, गेस तो लो। सौरभ भैया की आंखें देखो, क्या जबरदस्त है भाई, नशीली आंखें। ये मेरा दोस्त है, उसके सर पे पैर है। थोड़ा आइडिया, कोई गेस तो लो। सर पे पैर वाला पक्षी, ऐसा कौन सा पक्षी जिसके सर पर पैर होते हैं? किसी के भी नहीं होते। होते हैं? आपने यहाँ पर आके देखा भी है, आगे पीछे यहाँ पर भी होगा अभी वो लड़कियों के। और पापा, पापा की परी दिमाग खाली होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है सिर से। ऐसा कौन सा पक्षी जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर, ये तो मैंने पहली बार ही सुना है, इसका कोई आंसर होता है? कोई क्लू दे दो ना। आपने यहाँ पर आकर भी देखा होगा, आपने यहाँ जब यहाँ पर आए आपने बैठे होंगे, आपने देखा होगा, हर दिन आप देखते हो, हर दिन देखते हो उस पक्षी को? फिर वो तो नहीं पता। अच्छा अब मैं इसको आहिस्ता करके पूछता हूँ, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर भी है, पैर भी है, और पैर भी है। नॉर्मल पक्षी, सर पर और पैर, yes. मतलब पक्षी के उसके पर हो गए वो भी, सर पर पैर, और yes. बाकी इसके पैर लेग्स भी आ गई, सर भी आ गया उसका हेड। बहुत आसान। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास शहर है पर घर नहीं है, जिसके पास पहाड़ है लेकिन पेड़ नहीं है, जिसके पास पानी है लेकिन मछली नहीं है? हवा के पास, देखो ना, शहर है लेकिन घर नहीं है, पहाड़ है लेकिन पेड़ नहीं है, तो पानी है लेकिन मछली नहीं है। कोई आइडिया? नो आइडिया भैया, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है। आप 10th क्लास तक इस चीज़ का यूज़ करते थे, अच्छे से यूज़ करते थे। अच्छा। अभी भी अगर कहीं ट्रैवल करते हो ना, अभी आप कहीं ट्रैवल करते हो इस चीज़ का यूज़ करते हो? सारे के सारे लोग यूज़ करते हैं आजकल, पहले तो यूज़ नहीं करते थे, जब से मोबाइल हैं सारे यूज़ करते हैं। फिर से बताता हूँ, इस चीज़ के पास शहर हैं लेकिन घर नहीं है, थोड़ा सा क्लोज आ रहे हैं, पानी है लेकिन मछली नहीं है, ये मोबाइल है। चलो राजा जी से पूछते हैं। राजा जी आप बताओ, राजा जी हाथ उठाया था, फोन ही होगा, मोबाइल, फोन। फोन नहीं है लेकिन बिल्कुल क्लोज पहुंच गया आप। फोन, फोन में ही वो चीज है, फोन में ही वो चीज है। थोड़ा और देखो ना, आपका आप नेटवर्क, आप जब ट्रैवल करते हो आप वो चीज देखते हो बार बार, कहीं भी ट्रैवल करना होता है। और पास पहुंच गए, और पास पहुंच गए, मैप, मैप में ही होता है। एक ये आंसर दिया तो कल मेरे रिजल्ट में नाम होना था, मेरी स्टोरी डाल था। चलो एक भैया सवाल पूछते हैं। अच्छा, ये इटालियन भैया, आपका नाम क्या है? शुभम। बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा आपसे, ज्यादा आसान मत। हाँ हाँ ठीक है। एक बंदा है, हाँ, उसकी उम्र 10 साल है, जब उसकी उम्र 10 साल थी उसकी बहन की उम्र 5 साल थी, ठीक है, अब उस बंदे की उम्र 100 साल है, उसकी बहन की उम्र कितनी है जब उसकी? भैया जी अरे तेज है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सौरभ जी, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्लेन क्रैश हो जाता है तो कुछ लोगों की मौत हो जाती है, अब बताओ जो घायल है उन्हें कहाँ दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? बॉर्डर पे मौत होती है उनकी? हाँ, बॉर्डर पे मौत हो जाती है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर प्लेन उड़ रहा है, हाँ, ठीक है, एक्सीडेंट क्रैश हो जाता है, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, अब बताओ घायलों को कहाँ दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? वो तो नहीं, नहीं उनको, आप बताओ जहाँ उनकी नेशनलिटी होगी, जहाँ उनकी नेशनलिटी होगी, जहाँ उनकी नेशनलिटी होगी, जिस जिला, जैसे आप बताओ कहाँ पर। भाई घायलों को कौन दफनाता, मुझे ये बताओ पहले। ये सही है भाई, ये सही है, पीछे रह गए भैया, इन्होंने पकड़ लिया सही, वेरी क्लेवर। अपना नाम बता दो फिर से। आशीष। आशीष, एक बंदा, आप बस चला रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो आपने पहले स्टॉप पे गए तो 4 बंदे बिठाए, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप पे गए 3 बंदे उतर गए, हाँ, फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जो 4 चढ़े 2 उतर गए, अच्छा, है ना, तो फिर नेक्स्ट स्टॉप पे 3 चढ़े 1 उतरा, तो बस कौन चला रहा था? घूम के सिर बे, दूसरों से पूछने के लिए बड़ा आसान रहता है, अपनी बारी है ना, बंदे बुरियाल तो ये थी। फिर से पूछो सवाल। फिर से पूछो सवाल। सवाल ये देखो,
सबसे पहले जैसे बस चला रहे हैं, सपोज आप बस चला रहे थे, ठीक है, पहले बंद जब आप पहले स्टॉप पे चढ़े तो चार चला रहा है, अच्छा मैं बस चला रहा हूँ और मैं ही चढ़ा पहले स्टॉप पे, अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना युवराज आप रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आपने दूसरे वाले को क्रॉस कर लिया, जो दूसरे नंबर पे उसको क्रॉस कर लिया अपने दौड़ते दौड़ते, आप कौन से नंबर पे आ गए? सर मैं तो सेकंड पे आऊँगा। आप रेस में दौड़ रहे हैं नितेश, आपने दूसरे वाले को क्रॉस कर लिया दौड़ते दौड़ते दूसरे नंबर वाले को, तो आप कौन से नंबर पे आए? पहले पे। आपने कैसे बोला कि दूसरे पे आएंगे? सर मैं दूसरे के आगे निकल गया तो मैं दूसरे पे आ गया। तो आपने कैसे बोला कि आप पहले पे आएंगे? क्या लगता है आपसे ये गलत है? कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना,